हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको मैं बताऊंगा, फैकल्स क्या रसधानिया क्या होता है। आज मैं क्लास लेने के मूड में नहीं था, कुछ टेंशन हो गया था, बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी टाइप का लग रहा था। लेकिन फिर भी हम सोचे कि जो होगा जो होना है होगा, किसी का सपोर्ट हो या ना हो। तो चलिए आज रसधानिया बताएंगे। आखिर ये मेरे भाई रसधानिया है क्या, सबसे बड़ी बात है। तो जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि रसधानिया जो होता है एक कोशिका द्रव में कोशिका अंगक है। क्या है? कोशिका अंगक। लिखते तो पता चलता है ना मेरे भाई, कि नहीं पता चल रहा है? ऐसे YouTube में वीडियो देखते तो पता चलता है ना, ऐसे तो समझा होगा तो कम समय लगता होगा, सारा चीज समझ जाते होंगे। सारा वीडियो देखते हो, जिसमें डाउट होता है देखा करो, उसको डबल देखा करो। अब ये क्या है? कोशिका अंगक। तो हम बताए थे कि कोशिका अंगक क्या है। कोशिका अंगक मेरे भाई कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, बहुत सारे अंग जिसको कहते हैं कोशिका अंगक। लेकिन ये जो कोशिका अंगक है ये मेटाप्लास्ट है। क्या है? मेटाप्लास्ट। अब बताए थे मेरे भाई कि एक कोशिका अंगक होता है मेटाप्लास्ट, एक होता है ऑर्गेनाइड। क्या बताए थे? ऑर्गेनाइड। अब जो ऑर्गेनाइड कोशिका है उसमें क्या होता है? विभाजन करने की क्षमता होती है। डस्टर भिंगाना। विभाजन करने की क्षमता होती है। और जो मेटाप्लास्ट है उसमें क्या होता है? हाँ, विभाजन करने की क्षमता नहीं होती। क्या होती है? क्षमता नहीं होती है। कोई दिक्कत है यहाँ पर मेरे भाई? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां समझो आप, रसधानिया जो है कोशिका का एक कोशिका, कोशिका द्रव में पाया जाने वाले कोशिका अंगक, जो कि ये मेटाप्लास्ट है, ऑर्गेनाइड नहीं है। मेटाप्लास्ट कहने का मतलब है कि इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती। अगर इसमें कोई चीज टूट जाता है, फूट जाता है, खराब हो जाता है तो नया नहीं बन सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइड में है कि विभाजन करने की क्षमता हो, कुछ नया बन सकता है। जैसे बच्चा का हाथ देखो, छोटा सा क्या हो, बड़ा हो। लेकिन न्यूरॉन में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती। बात को समझे तो क्या होता है? मेटाप्लास्ट होता है कोशिका विभाजन। लेकिन ये जो कोशिका ऑर्गेनाइड रसधानिया है, वाह पूरा गाना में किसी का बर्थडे है। तो अब ये जंतु की में बहुत कम पाया जाता है, ये नगण्य पाया जाता है जंतु में। ये जो भी पाया जाता है पौधों में ही पाया जाता है, जंतु में एकदम नगण्य के बराबर पाया जाता है, बहुत कम और तो ना ही पाया जाता है। लेकिन जो पौधों में है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत ज्यादा मतलब पौधों में ही पाया जाता है ये क्या? रसधानिया। ये तो मेटाप्लास्ट है मेरे भाई, लेकिन रसधानिया कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं ना। यहां तक दिक्कत? अब देखो, अब ये जो जंतु में पाए जाते हैं या तो नगण्य पाए जाते हैं या तो छोटे छोटे पाए जाते हैं। लेकिन यहां पे हम जंतु का बात बहुत कम करेंगे क्योंकि जंतु में बहुत ना ही के बराबर पाया जाता है, बताएंगे। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं किसका? प्लांट का, यानी पौधा का। प्लांट मतलब क्या होता है? पौधा होता है। तब जो पौधा में पाया जाता है, जब इसको हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप क्या है? जो हर वस्तुओं को क्या है 2000 दुगना कर क्या कर बढ़ा कर दिखाता है, जो कि नंगी आंखों से ना देखा जाए उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप लगाकर देखा जाता है। कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था माइक्रोस्कोप से, फिर लीवेनहॉक स्लाइड एवं श्वान देखता है। तो उसी प्रकार माइक्रोस्कोप की सुविधा से अगर देखा जाए तो ये भी जो कोशिका अंगक है, कोशिका द्रव में पाया जाता है छोटे छोटे थैलियों के समान संरचना। क्या? छोटे छोटे थैलियों के समान संरचना। कहाँ का बात हो रहा है? पौधों की बात हो रहा है। कहाँ की बात हो रहा है मेरे भाई? पौधों का, जंतु का बात नहीं हो रहा है। यहां तक समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत? और ये जो छोटे छोटे समान थैली संरचना है
इसमें क्या रहता है? रस भरा रहता है। क्या भरा रहता है? रस भरा रहता है। क्या होता है रस? क्या इस रस को क्या कहते हैं? कोशिका रस। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोशिका रस कहते हैं। यहां तक दिक्कत? अभी जो कोशिका रस होता है, अभी जो रसधानी होता है, कोशिका झिल्ली की तरह भी इसमें भी झिल्ली पाया जाता है। नहीं समझा? ये सेल है, सेल के ऊपर क्या है? झिल्ली होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो रसधानी के ऊपर भी जो होता है क्या होता है? झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली को पता है क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या मेरे भाई? टोनोप्लास्ट। तो हम बताए तुम्हें, तो थोड़ा सा फिर से रिपीट करना अपने बातों को, हम समझते हैं कि तुम कहां तक समझे हो। आगे बताओ। हाँ बताओ। देखो क्या है मेरे भाई, समझो पहले। तो कोशिका रस इसको बोलते हैं। तो जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट भी कोशिका झिल्ली की तरह होता है। क्या होता है? रसधानी बोल देते क्या? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट भी जो है क्या होता है? कोशिका झिल्ली की। टोनोप्लास्ट समझा कि नहीं समझा? कि भूल गए? मतलब कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारागम्य होती है। अर्ध पारागम्य मतलब समझते हो? देखो चयनित। वाह, दिल खुश कर दिया मेरे भाई। अर्ध पारागम्य मतलब कोई भी जो जरूरत की चीजें है उसको क्या करेगा? अंदर लाएगा, इधर से अंदर लाएगा, बाहर से अंदर। और जो खराब वस्तु है, जो काम की चीजें नहीं, उसको क्या करेगा? बाहर भेज देगा। सर अंदर प्रक्रिया होता है, आगे बताएंगे बॉडी फंक्शन। नहीं हम बताए, देखो यही गड़बड़। कोशिका टोनोप्लास्ट क्या बोले? टोनोप्लास्ट भी कोशिका झिल्ली की तरह है। यानी कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध परागम होती है। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? अर्ध परागम। अर्ध परागम का मतलब जो जरूरत की चीजें है वो क्या करता है? बाहर भेज दिया जाता है, नहीं अंदर लाया जाता है। और जो खराब चीजें है बाहर की भेज। अरे थोड़ा सा पता है टेंशन हो गया किसी से, तो इस कारण थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गया दिमाग, इस कारण थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। यही कारण हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। पता ना कोई कोई जीवन में आ जाता है बहुत अच्छा रहेगा भी, लेकिन कभी कभी इतना डिस्टर्बेंस कर देगा ना, इरिटेशन हो जाएगा तुमको। तो अब क्या है ना ये सब, चलो हटाओ ये सब। तो अब क्या है? टोनोप्लास्ट क्या होता है? अर्ध परागम होता है। क्या होता है? टोनोप्लास्ट अर्ध परागम होता है। इतना बिजी रहते हैं ना यार कि समझ में नहीं आता, ऊपर से कोई अगर इरिटेशन कर देगा तो और दुख हो जाता है। तो अब टोनोप्लास्ट अर्ध परागम होता है। अब अर्ध परागम का मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली की तरह टोनोप्लास्ट होता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? बाहर की वस्तुओं को, जो खराब की चीजें उसको बाहर भेज देता है, और जरूरत की चीजें उसको अंदर भेज देता है। बीच में बताया था ना अर्ध परागम होता है, तो टोनोप्लास्ट भी वही काम करता है। बात को समझा? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो रसधानिया का कार्य जानना चाहोगे कि छोड़ दे? जानो, बता दे। वाह, जानने का अगर जिज्ञासा है तो भाई हम 5 घंटा पढ़ाए। तो तुम्हारा सेलअप खत्म होगा 2-3 दिन, एक दिन पूरा 5 घंटा बुलाकर सेल रिविजन करवा दे। 5 घंटा टाइम है ना, खाना ना लेके आना। रसधान नहीं तो घर है मेरा, घर पे खाना। रसधानिया का कार्य, 4 आदमी तो ऐसे मेरे घर पे खेलते रहता है, वो तो मिस्त्री हो गया। रसधानिया का कार्य, तो जो जंतु में रसधानिया होते हैं, हम क्या बताएं? होता भी नहीं लेकिन होता है तो छोटे छोटे होता है। तो जंतु में क्या होता है? अलग होता है कार्य, पौधों में अलग, एक कोशिकियों में अलग, एक कोशिकियों में अलग। एक कोशिका समझते हो? क्या समझते हो? क्या सिलिया फैलजिला? बताया था ना कोशिका क्या है? एक कोशिका से बना, उसमें टिश्यू का निर्माण नहीं होगा, ये ऑर्गन का निर्माण नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं होगा, बॉडी का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ कोशिका रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। याद आया है? उल्टा सुलटा मत बोलो कॉन्सेप्ट। हाथ पैर चलाता है? कहाँ हाथ पैर चलाता है कोशिका? क्या विभाजन करने की क्षमता?
कि एक एक से दो हो गया, दो से तीन हो गया। हाँ अब देखो तो आखिर ये रसधानिया का कार्य क्या, हम बताएं कि जंतु में अलग, पौधों में अलग और किसमें, एक कोशिकी में अलग। तो सबसे पहले हम पौधों की बात करते हैं, तो पौधे में बताएंगे क्या बताएंगे, पौधों में क्या कार्य है रसधानिया का, सबसे बड़ी बात यह जानना है। तो पौधों की कोशिका में जो रसधानिया हो क्या करता है, जीव द्रव बनाने का काम करता है, क्या करता है मेरे भाई, हाँ यह जीव द्रव बनाने में मदद करते हैं। तो आखिर जीव द्रव क्या होता है जानते हो, जानते हो, बताया था ना जो कोशिका अंगक में सारा पार्ट है जो, उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। तो आखिर जीव द्रव बनाने में कैसे मदद करते हैं, बात सोचना है ना, आखिर जीव द्रव क्यों बनाते हैं। तो देखो पौधों की कोशिका में क्या होता है मेरे भाई, विभाजन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, पौधे की तरह जिस विभाजन करने की क्षमता से क्या होगा, मनुष्य का आकृति बढ़ेगा, विभाजन का छोटा हाथ से बच्चा का बड़ा हाथ होता है ना, तो पहले विभाजन करने की क्या क्षमता हो, पहले क्या होता है, पहले पूरा लंबा होता है, फिर उसका जड़ बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है पेड़ का, तो असीमित रूप में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इमली का देखे हो, आम का देखे हो, कटहल का देखे हो, देखो कितना पेड़ कितना तेजी से विभाजन करने की क्षमता होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, मनुष्य इतना बढ़ता है, मनुष्य इमली जैसा आम जैसा हो जाएगा तो चल पाएगा, वो संभव है, पॉसिबल है, नहीं है ना, असंभव है, क्योंकि विभाजन करने की क्षमता पेड़ में बहुत ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, तो विभाजन करने की क्षमता है मेरे भाई, तो जब तक जीव द्रव नहीं रहेगा, जब तक की कोशिका रस नहीं रहेगा, जब तक पूरे पौधे में विभाजन करने की क्षमता नहीं हो पाएगी। जो जीव जो कोशिका रस है वो क्या करता है, पौधों में विभाजन करने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए कम ना हो जाए, सबका प्राकृतिक नेचर है, तुम बोले कैसे बनाता हो बताएंगे फंक्शन में, कम ना हो जाए इसलिए क्या करता है, ये सब एक्सपेरिमेंट का चीज है, ये सब पढ़ने का चीज, हम लोग इतना जानो जितना जरूरत है, बात को समझो, उतना एक्सपेरिमेंट हम लोग वैज्ञानिक थोड़ी बनना है, साइंटिस्ट आरडीओ में जाना तो फिर पढ़ो, इसरो में जाना तो पढ़ो, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखो ये सब, इसरो का स्थापना कब हुआ था ये सब पूछ सकता है, इसलिए बोलते हैं कि गौरव कुमार का वो जो वीडियो देखो, तुम तो सुनेगा नहीं। तो अब देखो रसधानिया सब ले लियो, बताता है रसधानिया क्या करता है, तो जो रसधानिया है मेरे भाई, देखा जाए तो पौधों में जो रस होता है यानी कोशिका रस होता है, कोशिका में पाया जाता है, अब जो कोशिका होता है उसको विभाजन करने की क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है, जितना ज्यादा रस रहेगा क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब देखो और क्या काम है रसधानिया का, सपोज पौधों में द्रव की कमी हो गया है तो क्या करेगा, कोशिका रस निकल के क्या करेगा, उसको पूर्ति कर देगा। सपोज पौधों में क्या हो गया, द्रव की मात्रा अधिकता हो गया तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सोख लेगा, कौन, रसधानिया, क्या करेगा, सोख लेगा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो जंतु में क्या करते हैं और पौधों में क्या करते हैं, ठीक है, जंतु में रसधानी का काम, पौधों में क्या करते हैं रसधानी का काम, बता दिए कि नहीं बता दिए, क्या बताए, देखो अब जंतु में जाना, ठीक है, जंतु में क्या बताया, छोटे छोटे रसधानी होता है, छोटे छोटे, अब जंतु की रसधानी में छोटे छोटे जो रसधानी होता है क्या करता है, सपोज जंतु में क्या हो गया, जल की मात्रा ज्यादा हो, क्या हो गया, तो क्या करेगा रसधानी, क्या करेगा, जल को सोख लेगा, क्या करेगा, जल को सोख लेगा, मतलब अपने अंदर भीतर कर लेगा, और जल का अगर ज्यादा हो जाए, कमी हो जाए तो क्या करेगा, जल को बाहर निकाल देगा, नहीं समझे, जैसे जल की कमी हो जाएगा तो क्या करेगा, बाहर नहीं निकालेगा, तो भाई बाहर निकालेगा कहाँ निकालेगा, अपने शरीर में ही तो निकालेगा ना, यानी जल संतुलन का काम करेगा, नहीं समझा, यानी जल
दिमाग थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्ट हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। जल संतुलन का काम कौन करेगा? जंतु में जल संतुलन का काम करेगा। तो कहेगा कि जंतु में क्या करता है अंतानिया, क्या करता है बताओ? हाँ क्या करता है? हाँ अब देखो सूक्ष्म जीव में हम बताए थे, अब देखो पौधा, हम तुमको रिपीट कर देंगे बहुत बढ़िया से। सूक्ष्म जीव में क्या करता है? पौधों में क्या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या नहीं बनते हैं? हाँ हाँ नहीं बनते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं? बनते हैं। क्या करते हैं? कोई भी जीव जंतु जो भी हो, सजीव चीज जो ये पौधों को छड़ा करो क्या करेगा? खाएगा, तो उत्सर्जन वो करेगा। जैसे कि मल, जैसे कि लेटरिन क्या है? अपशिष्ट है। मानव का मूत्र क्या है? अपशिष्ट है। यानी कोशिका जो खाएगा या अपशिष्ट, थूक खखार भी एक अपशिष्ट ही माना, लेकिन जो भोजन पच जाए उसको अपशिष्ट बोलते हैं। जैसे भोजन पच कर क्या होता है? लेटरिन में बदल जाता है, मल में बदल जाता है। मानव पानी पीता है उसको क्या, किडनी क्या काम करता है? मूत्र का बहाव करता है, यानी क्या फ्रेश करता है, मूत्र को बहाता है। अगर आदमी को भाई अगर मूत्र अगर ना हो तो आदमी बेचैन हो जाएगा, मर जाएगा, पेन होगा। क्यों? अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट को निकलना जरूरी है। तुम्हारे दिमाग में अगर फालतू फालतू दिन में बात घुसा रहे तो क्या तुम्हारे दिमाग में राजधानी घुसेगा? नहीं घुसेगा। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में कुछ फालतू बहुत गम रहा है, लेकिन ये तो हमारा मन पे बहुत नियंत्रण है तो कुछ काम कर जाता है, नहीं तो नहीं पढ़ा पाते। जिस अवस्था में थोड़ा सा टेंशन हो गए थे तो क्या राजधानी है, तो मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र को क्या करता है? यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। कौन? राजधानी भाई पढ़ा रहे, राजधानी तो बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ी। लेकिन तुम्हारा तो है ना, कोई दिक्कत यहां तो? कोई दिक्कत? आप देखो शुरू से एक बार रिपीट कर दे, शुरू से। जैसे कि सपोज हम खाना खाए, क्या पौधों में अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन अगर कोई मनुष्य खाना खाता है तो क्या करता है? मल के द्वारा क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। मूत्र के द्वारा क्या करता है? पानी निकलता है। पसीना क्या करता है? छोटे छोटे छिद्रों द्वारा निकलता है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। ये सब नहीं निकलेगा तो आदमी बेचैन नहीं हो जाए। कोई आदमी को अगर लेटरिन ना हो भाई 5 दिन 6 दिन तो पूछो उससे क्या हालत रहे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। किसी को अगर मूत्र 1 दिन ना हो, 2 दिन, 1 दिन क्या, हमको लगता है अगर अगर किसी को प्रेशर में अगर मूत्र लग जाए भाई, वो नहीं जाएगा, तो इतनी देर डगमग हो जाएगा। बात को मानते हो कि नहीं? समझ रहे हो कि हो कर रहे? समझ रहे हो? तो उसी प्रकार क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मतलब यही मूत्र, मल, पसीना क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। क्या कर रहा है? शरीर से निकल रहा है, तो क्या करता है स्थानीय? वही निकालता है। तो शुरू से समझो, शुरू से एक बार 2-3 मिनट रिपीट कर दें, क्लिक कर दें। रसधानिया, रसधानिया क्या है? सबसे पहली बात, ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये एक मेटाप्लास्ट है। मेटाप्लास्ट कहने का मतलब इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती। ये जंतु की कोशिका में नगण्य पाई जाती है, तो पाई जाती है तो हल्की पाई जाती है। पौधों की कोशिका में बहुत ज्यादा पाई जाती है, कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसका काम क्या है? तो ये सबसे पहले दिखता कैसा है? तो सबसे पहले मेरे भाई देखा जाए तो पौधों की कोशिका के कोशिका द्रव में देखा जाए तो एक छोटे छोटे थैलियों के समान दिखाई पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो, अब ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें रस भरा हुआ रहता है, द्रव भरा, उसको बोलते हैं कोशिका रस। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कोशिका, ये छोटे छोटे थैली है रसधानिया में, क्या छोटे छोटे थैली है, इसमें क्या पाया जाता है? द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसी द्रव को बोलते हैं कोशिका रस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम यहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग दूसरा जगह तो पढ़ा नहीं सकते। अरे हम दिमाग का बहुत ये है, थोड़ा सा अपना आदमी से किसी हो जाता है। चलो कोशिका रस बोलते, आखिर कोशिका रस का काम क्या है? रसधानिया का काम क्या है? तो रसधानिया का हम कार्य बताएं, जंतु में अलग काम करता है,
एक कोशिकीय जीव में अलग करता है, पौधों में अलग करता है। पौधों में क्या करता है, पौधों में देखो क्या काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं होगा इस बारे में बार बार। पौधों में ये कोशिका रस क्या काम करता है, सपोज पौधों में जल की मात्रा ज्यादा हो गया तो क्या करेगी अपनी राजधानी, क्या करेगा अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, यानी ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन अगर पौधों में जल की कमी हो गई तो क्या करेगा, कोशिका रस बाहर निकल जाएगा। कोशिका रस बाहर निकालेगा, कौन निकालेगा, राजधानी निकालेगा। ये नहीं बोल देना राजधानी निकल जाएगा, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। रस कोशिका रस निकलेगा, कौन किसका काम है, राजधानी का काम, कोई दिक्कत। जंतु में क्या करेगा, जंतु में बहुत सारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, तो क्या करेगा अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देगा, कोई दिक्कत। यहां तक समझ पाए ना, चलो तो ठीक है, राजधानी के लिए थैंक यू।